तो गेज लॉन्ग ब्यूटी कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब ब्लैक्स में है अभी देखो गाइस यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ इंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे उसके बाद ही हम लोग एक बार ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं सो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 51.84 लाख का इनकम जनरेट किया है और अगर ये दिसंबर 2022 के क्वार्टर एंड मार्च 2022 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोसीमेटली 44.21 लाख का इनकम जनरेट किया था एंड दिसंबर 2022 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 50.1 लाख का इनकम तो अभी अगर इस कंपनी की इनकम ग्रोथ के बारे में बात करें तो लॉन्ग ब्यूटी कंपनी ने मार्च 2023 ट्वेंटी थ्री की क्वार्टर में फॉर्चुनेटली बोथ केसेस में मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों के दोनों ही केसेस में एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च ट्वेंटी की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली थर्टी सिक्स का खर्चा किया है

केसेस तो में, मतलब में निकल के आ रही है एंड उसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे नोटिस करोगे तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है मतलब ऐसा साफ पता चल रहा है कि कंपनी की जितना इनकम ग्रो कर रही है उससे ज्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो कर रही है इसलिए कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो नेगेटिव में है एंड अगर ऐसे ही चलती रही तो नो no डाउट एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के कंपनी की जो एक्सपेंसिस है वो इस कंपनी की इनकम से भी ज्यादा हो जाएगा मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगा टोटली लॉस मेकिंग बन जाएगा अगर ऐसे ही ग्रोथ कंटिन्यू रही तो।, तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें मार्च so 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने 17.75 का लॉस पोस्ट किया है दिसंबर एंड मार्च क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सिमेटली सिक्स पॉइंट एट फाइव लैक्स का प्रॉफिट पोस्ट, पोस्ट किया था तो अभी अगर इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में ही निकल के आ रही है और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की तो कंपनी की जो ईपीएस की वैल्यू है मार्च 2023 की वो निकल के आ रही है पॉइंट नेगेटिव में दिसंबर 2022 की ई वैल्यू निकल के आ रही है पॉइंट की पॉजिटिव में एंड मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है पॉइंट पॉजिटिव में तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड प्रॉफिट ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपेरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की सो so, अभी अगर ओवरऑल बात करें मार्च क्वार्टर के बारे में तो मार्च क्वार्टर की इनकम ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने या ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट एंड ईपीएस ग्रोथ नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ इनकम ग्रोथ ही पॉजिटिव में है मतलब चार में से सिर्फ एक ग्रोथ ही पॉजिटिव में सो एट द एंड ऑफ द डे मार्च क्वार्टर लेके जो रिजल्ट है वो वीक साइड पर निकल के आ रहा है तो ये तो हो गया मार्च क्वार्टर में लॉन्ग ब्यूटी ने कैसी परफॉर्म किया है अभी अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2.15 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमली सिक्स पॉइंट का इनकम जनरेट किया था तो अभी अगर इस कंपनी की इनकम ग्रोथ के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में लॉन्ग ब्यूटी कंपनी ने अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है कंपेयर टू तो फाइनेंशियल ईयर 2022 तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रोक्सिमेटली 2.09 पॉइंट जीरो करोड का खर्चा किया है एंड डिफॉर्ट 2022 में इस कंपनी ने अप्रोक्मेटली 1.65 पॉइंट सिक्स का खर्चा किया था तो अभी अगर यहां से इन दोनों ईयरस की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड टू एंड फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी के प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड सेवेंटी के आसपास तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने 28.38 लाख का लॉस पोस्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 3.74 पॉइंट का प्रॉफिट पोस्ट किया था तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की तो ईस की जो वैल्यू है फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी की वो निकल के आ रही है पॉइंट नेगेटिव में एंड फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी की निकल के आ रही है फोर की पॉजिटिव में तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने हर एक जगह पे कम या ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है सो एट दी एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल ईयर 2023 के जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है लॉन्ग व्यू टी कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी में बहुत ही ज़्यादा वीक परफॉर्म की है अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च क्वार्टर क्वार्टरली भी जो रिजल्ट है वो भी वीक ही निकल के आई है एंड फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी में भी कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा वीक परफॉर्म किया है तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है एंड अगर ऐसे ही ग्रोथ कंटिन्यूड रही तो ये कंपनी इंटायरली लॉस मेकिंग भी बन सकती है देखो अगर ऐसी तो डेफिनेटली ये कंपनी लॉस मेकिंग बन सकती है लेकिन बन सकती है क्या मतलब बन जाएगी लेकिन हो सकता है मैनेजमेंट इंप्रूव कर ले क्योंकि यहां पे अगर देखा जाए तो इनकम तो ग्रो कर रहा है लेकिन एक्सपेंसेस से रिलेटेड इशू यहां पे आ रहा है सो अगर मैनेजमेंट जाता है तो डेफिनेटली रिकवर कर सकता है बाकी वक्त के साथ साथ वो पता चल ही जाएगा कि मैनेजमेंट रिकवर कर सकता है कि नहीं अगले आने वाले एक से दो साल के अंदर पता चली जाएगा मार्च क्वार्टर में लॉस दिया अगर हो सकता है अगर ऐसी ही ग्रोथ कंटिन्यू रही तो डेफिनेटली जून क्वार्टर में भी लॉस देगा सो एफ आई तक डेफिनेटली पता चली जाएगा कि ये कंपनी लॉस मेकिंग बन गया या नहीं तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ